नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अपने प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप देख रहे हो, आईटी इलेक्ट्रीशियन पे 2000 वैकेंसी आई हुई है और बहुत ही सुनहरा मौका है जो बच्चे आईटीआई कर रखे हैं जिन्होंने भी, ठीक है। तो क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या पद है, कहाँ लोकेशन है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। अगर इनकी भी तैयारी आप करना चाहते हो और आप ज़्यादातर बच्चे हरियाणा के जुड़े हुए हैं तो हरियाणा के अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो इस बैच से भी जुड़ सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी न्यू शक्ति बैच, फ्री ई क्लास नोट्स हैं, फ्री 5000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट हैं, ठीक है। और इस बैच से अगर आप जुड़ते हो तो आपको फ़ायदा क्या होगा, कोई भी चाहे इंडिया लेवल का हो, अदर स्टेट का हो, कोई भी आप पेपर दोगे तो इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन आपको जो पढ़ाए जाएंगे, थ्योरी इसमें से जो करवाई जाएगी उससे बाहर नहीं जाने वाले हैं। चाहे हरियाणा लाइनमैन का हो, चाहे बिहार लाइनमैन का हो, चाहे पंजाब लाइनमैन का हो, कहीं का आप तैयारी करते हैं, एक कोर्स के अंदर आपको पूरी की पूरी बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी और अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक है। 2000 वैकेंसी है, कहाँ की है और क्या लोकेशन है, एक एक डिटेल में। फॉर्म देखो, यहाँ से जब बात करें तो पहले बिहार की वैकेंसी आई थी 2000, और बिहार की 2000 वैकेंसी आई थी वो बाद में क्या हो गई थी, पोस्टपोन कर दिया था आचार संहिता और इलेक्शन की वजह से पेपर नहीं हो पाएगा इस वजह से। लेकिन वो दोबारा रीओपन की गई और 20/6/2024 से स्टार्ट होने जा रहे हैं, 19/7/2024 तक ये चलेगा। इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कब से स्टार्ट हो रहा है, 20/6 से, और एक महीना दिया गया है और आपको 19/7 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सितंबर से अक्टूबर में पेपर है। सबसे बढ़िया बात ये लगती है, अभी जब नोटिफिकेशन आए और उसके साथ एग्ज़ाम डेट आए तो बच्चा एक पूरा डेडिकेटेड होकर तैयारी कर सकता है, ठीक है। सिलेबस भी बताएंगे और बिहार के अंदर ये पोस्ट है। देखो, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। अब कुछ बच्चे यहाँ से वीडियो स्किप करके चले जाएंगे जो अदर स्टेट के हैं। भाई, नौकरी लगना है बिहार में कोई मुश्किल है क्या? रेलवे में तो लगते हैं, रेलवे में कहाँ कहाँ नौकरी कर रहे हैं बच्चे आपको बताइए, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करते हैं, महाराष्ट्र, कोई कहीं, कोई कहीं, कहीं बंगलोर, चेन्नई, ठीक है, कोलकाता, अलग अलग जाते ही है ना। आर्मी वाले हैं, घर पे नौकरी करते हैं क्या, बाहर ही करते हैं ना, ठीक है। तो ये तो उनसे कितनी आसान है और बढ़िया सैलरी है, लगभग 40-42 हज़ार रुपये सैलरी आपकी बनेगी। लेवल 4 की नौकरी है, जिस प्रकार हरियाणा लाइनमैन की नौकरी होती है उतनी सैलरी वहाँ में मिलती है। तो आप भर सकते हो इस फॉर्म को। इसके बारे में पूरी डिटेल बताता हूँ मैं, कितनी पोस्ट है। अगर देखा जाए तो 2000 पोस्ट है, ठीक है। महिलाओं की अलग से रिजर्वेशन होता है, महिलाएं की अलग कट ऑफ जाती है, अलग से रिजर्वेशन होता है बिहार के अंदर। तो ये पोस्टें हैं अलग अलग कैटेगरी की, आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छी बात है ये, तो इतनी पोस्ट है, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ देख लीजिएगा, फॉर्म भर दीजिएगा भैया। आप हरियाणा से हो चाहे आप पंजाब से हो चाहे राजस्थान से हो, फॉर्म डाल दो, मैं कहता हूँ फॉर्म डाल दो, ठीक है ना। एक तो तैयारी बढ़िया रहेगी आने वाले पेपर की, एक बार नौकरी मिल जाए बंदा संतुष्ट हो जाता है, दूसरी भी ऑटोमेटिक मिल जाती है। तैयारी वही करनी है, चीज़ें वही पढ़नी है जो हरियाणा लाइन में के लिए पढ़ोगे, वही बिहार वाले के लिए पढ़नी है, अलग कुछ है ही नहीं। सिलेबस बताएंगे आपको पता चल जाएगा। 10वीं जो है, ठीक है, उसके बाद जो है आपको चाहिए आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से एससीबीटी और एनसीबीटी दोनों चलेगी। ध्यान दें पहले बात को, फिर मैसेज करते हो एससीबीटी चल जाएगी सर, एनसीबीटी चल जाएगी सर, महिलाएं भर सकती है क्या, महिलाएं फॉर्म भर सकती है, अदर स्टेट वाले भर सकते हैं लेकिन भरोगे जर्नल के अंदर, ठीक है ना। कैटेगरी वहाँ नहीं चलेगी भी, आप यहाँ एससी के हो तो वहाँ एससी, बीसी के हो तो वहाँ बीसी नहीं होगा, अदर स्टेट का केवल और केवल यू आर एन अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर फॉर्म डाल सकता है, क्लियर है। आईटीआई है, आईटीआई आपके पास है इलेक्ट्रीशियन से, ठीक है, 2 साल की आईटीआई जो है वो, तो आप एनसीबीटी हो चाहे एससीबीटी दोनों वैलिड है। और जो कैंडिडेट अभी तक अपीयरिंग कर है, मतलब पास आउट नहीं हुआ है, वो नहीं भर सकता, यानी सेकंड ईयर में है सर पेपर होने के बाद मैं भर सकता हूँ क्या, नहीं, आपका रिजल्ट आया हुआ था तो आप भर सकते थे लेकिन अब नहीं भर सकते, डाउट सारे क्लियर कर देंगे। लेवल 4 की नौकरी है, 7th पे के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। एज की बात करें तो कितनी एज है, देखो हर चीज़ में डाउट रहता है आपके बच्चों का, ठीक है, मिनिमम 18 साल का होना ही चाहिए, 18 साल का होना चाहिए और 37 साल, अब इससे ज़्यादा तैयारी क्या करेंगे, 37 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अनरिजर्व वाले, बाकी 18/42, 18/42, 18/40 अलग अलग, ये तो फिर ठीक है कैटेगरी वाइज बिहार वालों के लिए होगी। बात यहाँ पर आती है मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो क्या होगा, फ़ीस कितनी है सर, फीस में जी फंके शॉर्ट हो जाते हैं क्योंकि एक फीस अदर स्टेट में कहीं पे भी देख लो आप, अच्छी खासी फीस रहती है, यानी 1500 फीस है और बाकी कैटेगरियों के लिए 375 फीस है।
मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो है CBT होगा आपका, यानी ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसके अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे थोड़ी देर में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मिनिमम क्वालिफाई मार्क भी आपको चाहिए, जैसे जनरल वाले को 40 नंबर लेने ही लेने हैं, ठीक है, यू आर ठीक है 36.5 फॉर BC, 34 नंबर EBC को लेने हैं, और आपके 32 नंबर SC ST या फीमेल कैंडिडेट को लेने ही हैं, नहीं तो चाहे मेरिट इससे नीचे जाए तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यानी इतने नंबर आपको क्वालिफाई होना ही होना पड़ेगा, और बाकी आप अच्छे मेरिट लगेगी, यानी क्वालिफाई वालों को सबको ले लिया जाएगा। बात आती है सिलेबस की, सिलेबस क्या है सर? देखो ये सिलेबस आपका है, बाकी आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पूरी की पूरी PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या आने वाला सिलेबस दिया, GK आएगी, लॉजिकल रीजनिंग आएगी, जनरल हिंदी आएगी, सारा सिलेबस बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। कंप्यूटर आएगा आपका पूरा का पूरा, देखो हरियाणा से मिलता जुलता है, हरियाणा के एग्ज़ाम से मिलता जुलता है, ठीक है। IT इलेक्ट्रिशियन, AC मशीन आएगी, अल्टरनेटर, सर्किट ब्रेकर, DC ड्राइव, DC मशीन, यानी ज़्यादातर मशीनों वाला पोर्शन इसके अंदर दिया हुआ है। अंडरग्राउंड केबलिंग हो गया, डोमेस्टिक अप्लायंस हो गया, ये सारी चीज़ें दी हुई है, तो आराम से हो जाएगी, ज़्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस है नहीं, पेपर के दिन भी ज़्यादा नहीं रहते हैं, ठीक है। एक और बताना था आपको भाई, ये लो ये सिलेबस है, जैसे कितने नंबर का कौन सा आएगा, ठीक है। तो GK 10 नंबर की आएगी, रीजनिंग 10 नंबर की आएगी, हिंदी 10 नंबर की आएगी, और इंग्लिश 5 नंबर की आएगी, और 15 नंबर का आपका आएगा कंप्यूटर, और 50 नंबर का इलेक्ट्रिशियन का पोर्शन आएगा पूरा का पूरा। कितना आएगा? 50 नंबर का। तो पेपर आपका हो गया पूरा का पूरा, यानी 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 50% आपकी टेक्निकल पूछा जाएगा, 50% नॉन टेक्निकल पूछा जाएगा, ठीक है। तो 10, 10, 20 और ये सारे इस तरीके से। और हरियाणा वाले हैं तो मैं बता देता हूँ, ये सेम का सेम सिलेबस आपका है, सेम का सेम आपका सिलेबस, बस यहाँ 50 की जगह 70 हो जाता है, ठीक है। तो कवर है, इलेक्ट्रिशियन पढ़नी है, उसमें से कुछ टॉपिक आपको इसके अलग से पढ़ने हैं, अलग से का मतलब ये नहीं है भी है उसमें से, लेकिन कुछ चैप्टर आपको छोड़ देने हैं, जो दिए हुए हैं वो पढ़ने हैं। तो आप यहाँ जुड़ो, यहाँ से जुड़ोगे नैया पार हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। टेक्निकल पोर्शन को अपन रगड़ के मिल देंगे, 50 में से मैक्सिमम जितने बच्चों के आएंगे वो आप लेके आओगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बाकी आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और कोई भी आप कोर्स से संबंधित या कोई जानकारी चाहते हैं तो नंबर है 98-126-55-040 पे मैसेज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें, अच्छी लगी तो बहुत बढ़िया, और लाइक वीडियो को करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, भगवान आपका भला करे, जल्द से जल्द आपको एक प्यारी सी नौकरी दे।